हेलो यूट्यूब के दोस्तों, नवजोत होम शेफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आइए आज की नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। दोस्तों आज की हमारी नई रेसिपी है दोस्तों, हम आज बनाएंगे मटर के छिलकों की सब्जी। एक बार ये सब्जी बनाकर देखिए दोस्तों, बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है। उतने आपके मटर नहीं अच्छे लगते सब्जी में जितने छिलकों की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। इसके लिए हमने आज मटर के छिलके लिए दोस्तों, इसे हमने छील कर धोकर काट कर रख लिया। और जो हमारी फूलगोभी होती है उसके डंठल होते हैं जो, वो भी हमने काट कर धोकर इसे रख लिया। और तीन आलू हमने चीर लिए, थोड़ी सी गोभी को काट लिया दोस्तों, और थोड़े से इसमें हम डालेंगे हरे मटर। ये रहा हमारा तड़का लगाने का मसाला। आज हमने मसाला सूखा इसके ऊपर से नहीं डालना दोस्तों, सभी मसालों को हमने पीसकर एक साथ मिला लिया। इस मसाले में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, धनिया के डंठल, हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला पीसकर हमने सभी को मिक्स कर लिया। एक टमाटर हमने काट कर रख लिया और थोड़े से हरा धनिया के पत्ते हमने काट कर रख लिए दोस्तों। आइए आज की रेसिपी को बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए दोस्तों, जो हमने मटर के छिलके लिए थे उसे हमने ऐसे काटे दोस्तों। आपने इस तरह से ये छिलके को निकाल देना और इसका जो बीज का पार्ट है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं, ये रहा दोस्तों ये मोटा वाला छिलका, आपने निकाल देना। उसके बाद आपने इस सब्जी को बनाना। अगर आपने इस छिलके के साथ सब्जी बना लिया तो आपको अच्छी नहीं लगेगी ये सब्जी, क्योंकि ये खाने में बहुत ही सख्त होता है और पिघलता नहीं है, इसलिए आपने इस छिलके को निकाल देना। इसके बाद ये वाला छिलका रह जाएगा जिसकी हमने सब्जी बनानी है। बहुत ही स्मूथ छिलका रह जाता है जब आप इसे छील कर रख लेते हैं। और जो हमारी गोभी की डंडल होती है दोस्तों, उसे भी हमने इस तरह से काट कर, जो आपको अभी दिखाया हमने, इस तरह से हमने पतले पतले स्लाइस में काट कर रख लेना। आपने इसे मोटा नहीं चीरना दोस्तों, आपने इसे पतला ही चीरना। रेसिपी बनाने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक बात और शेयर करनी थी। आप सब अब हमारी फैमिली हो दोस्तों, इसलिए जो हमसे सभी प्यार करते हैं उन लोगों के लिए हमने एंजॉय के लिए नया चैनल खोला है, जिसका नाम है गॉड होम चैनल, शॉर्ट चैनल है दोस्तों। इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद का बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों। उस चैनल को भी प्यार दीजिए और इस चैनल पे भी ज़रूर आइए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। लीजिए दोस्तों, आज हम कोई हांडी में सब्जी नहीं बनाएंगे, कोई कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, आज हम कुकर में झटपट सब्जी बनाकर रेडी करेंगे और खाने में भी टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे सब्जी को दोस्तों। एक बार इस मटर के छिलके की सब्जी जरूर बनाकर देखिए, आप मटर की सब्जी खाना भूल जाएंगे जब से आप ये छिलके की सब्जी बनाकर देखो दोस्तों। और हमारे गॉड होम चैनल को जरूर देखिए दोस्तों और उसे बहुत सारा प्यार दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। वो शॉर्ट का चैनल है दोस्तों, आपको बहुत ही पसंद आएगा, उस चैनल पर जरूर विजिट कीजिए दोस्तों। आइए अब हमारा ऑयल गर्म हो गया दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। लीजिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा मसाला फ्राई हो रहा है अच्छी तरह से। इस मसाले को हम एक मिनट और फ्राई करेंगे।
लगती है। और आपको कोई और भी रेसिपी देखनी है तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आप जैसी भी रेसिपी चाहेंगे हम वैसे ही बनाकर आपको दिखाएंगे। दोस्तों लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। राइस के साथ आप खा सकते हैं, चाहे तो आप पराठे बनाकर उसे इंजॉय कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। और हमारे दूसरे चैनल पर भी जरूर विजिट कीजिए दोस्तों, और हमें आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमने दूसरे चैनल का लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप हमारे दूसरे चैनल का लिंक देख सकते हैं और उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नवजोत होम शेफ चैनल।